नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर क्रेडिट कार्ड यूजर की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उसके क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू होता है उसको कौन भरने के लिए लायबल होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई यूज़र है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके कार्ड के ऊपर बहुत सारे ड्यू है उसको, क्योंकि उसको पे करना था लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है तो अब वो उसको पे नहीं करता। तो ऐसे में वो कार्ड का जो ड्यू होता है वो किसको पे करना पड़ेगा। ऐसे में क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती है कार्ड होल्डर की फैमिली पर प्रेशर बनाती है कि इतना ड्यू है और आपको भरना पड़ेगा। और कई सारे केस में क्या होता है, फैमिली वाले प्रेशर में आके वो अमाउंट भर देते हैं, लेकिन उनको ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है जब तक कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड जो है जॉइंट क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, यानी कि दो लोगों ने मिलकर क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है और आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको भरना है। तो आपको ऐसे में कार्ड के बिल को भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप पे केस करें, कुछ भी करें, लेकिन आप ही उसमें जीतोगे जब तक कि वो क्रेडिट कार्ड जॉइंट क्रेडिट कार्ड नहीं हो। अगर जॉइंट होल्डर क्रेडिट कार्ड है तो ऐसे में जो दूसरा पार्टनर होगा उसको वो पे करना पड़ जाएगा। लेकिन कार्ड होल्डर के फैमिली वालों को ये सावधानी बरतनी होगी कि अगर कार्ड होल्डर की डेथ हो गई है और उसके बाद में वो कंटिन्यू कर रहे हैं कार्ड को यूज करना फैमिली वाले, तो ऐसी गलती ना करें। अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को लगता है कि ये चोरी हो रही है, किसी और के कार्ड पे जो है परचेसिंग की जा रही है। ऐसे में वो उन पे केस करके भी अपना पैसा वसूल सकते हैं। तो अब इससे फैमिली तो अलग हो गई, अब बात आती है कि कौन इसको भरेगा। इसको भरने के लिए क्रेडिट कार्ड जिस गारंटी पे उनको दिया गया था कार्ड होल्डर को, उस गारंटी का पता किया जाता है कि किस बेसिस पे कार्ड को दिया गया है। अगर वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड था तो जो एफडी कराई होगी कार्ड होल्डर ने कार्ड लेते टाइम पे, उस एफडी को तोड़ के कार्ड का ड्यू चुकता किया जा सकता है। अगर कार्ड होल्डर को उसकी जॉब के बेसिस पे जो है क्रेडिट कार्ड मिला है तो ऐसे में जो कार्ड होल्डर के एम्प्लॉयर होंगे उनसे क्रेडिट कार्ड कंपनी बात करेगी और उनसे अपना ड्यू वसूलने की कोशिश करेगी। लेकिन एम्प्लॉय के असेट्स या फिर उसकी सैलरी बकाया नहीं है तो ऐसे में एम्प्लॉयर जो है मना भी कर सकता है डेब्ट चुकता करने के लिए। तो ऐसे में फाइनली जाके क्रेडिट कार्ड कंपनी को इसका लॉस और हर्जाना भुगतना पड़ता है। ऐसे में कार्ड होल्डर जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी फैमिली को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर मृत्यु के बाद में कार्ड को यूज किया जा रहा है तो भी बहुत गलत है, तो उनको तुरंत क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचना करनी चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट लगा के रखना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में कह सकें ये जो कर्जा लिया है वो क्रेडिट कार्ड होल्डर ने लिया है और अब वो यहाँ पे है नहीं, तो आपको उस ड्यू को चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।